फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड पहली बार क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स लेकर आ रही है। मंगलवार को मुंबई में इस अवार्ड शो के बारे में विद्या बालन और जोया अख्तर ने खुलकर बात की, लेकिन इसी बीच विद्या ने कंगना का नाम लिए बिना उन पर ऐसा वार किया कि हर कोई हैरान रह गया। खुद देखिए। विद्या को है अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी पर ट्रस्ट, क्या विद्या ने दिया कंगना को लेकर स्टेटमेंट? बॉलीवुड स्टार्स कब कहां और क्या स्टेटमेंट देते हैं, ये कहना मुश्किल ही होता है। अब देखिए ना, कंट्रोवर्सी से दूर रहने वाली विद्या बालन ने दे दिया है ऐसा स्टेटमेंट जिसे सुनकर हर कोई रह गया हैरान। बॉलीवुड की उलाला गर्ल यानी कि विद्या बालन पहली बार होने वाले क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड की लॉन्चिंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए पहुंची। मुंबई में ऑर्गेनाइज हुई इस पीसी का मकसद लोगों को ये बताना था कि फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड पहली बार मेकर्स के उम्दा काम को सम्मानित करने जा रहा है। देश और दुनिया के क्रिटिक्स भी इस पीसी में शामिल हुए, साथ ही साथ यहाँ जोया अख्तर भी पहुंची। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो काफी खास रही, लेकिन विद्या बालन के एक जवाब ने सभी की अटेंशन ग्रैब कर ली। अब ये तो सब जानते ही हैं कि कई सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो अवार्ड फंक्शंस में जाना अवॉइड करते हैं, चाहे आमिर हो या फिर अजय देवगन। विद्या ने कहा, कोई कितना ही कहे कि अवार्ड्स बकवास हैं, पर ऐसा नहीं है। हर बार जब अवार्ड होती है ना तो हम कहते हैं कि जब नहीं मिलता ना हमको, वैसे भी हम कहते हैं कि यार ये सब बकवास है। विद्या यही शांत नहीं हुई। विद्या बालन ने अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी को लेकर भी स्टेटमेंट दे डाली। It does make me feel like maybe there is some amount of credibility in me also, because I see some very credible names sitting out here, and congratulations on instituting these awards. I think it's fantastic. Best critics from across the country. I think we can hope for great credibility. जैसे what was a विश्वसनीय awards होंगे ये, उसका मुझे बिल्कुल यकीन है। अब विद्या का इशारा किसकी तरफ था ये तो साफ नहीं, लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रनौत ने अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल जरूर उठाए थे। मुझे इस फिल्म को मणिकर्णिका को लेकर अगर राष्ट्र पुरस्कार ना मिले तो आई थिंक इट विल बी राष्ट्र पुरस्कार की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। लेकिन जब विद्या से सीधे कंगना को लेकर सवाल किया गया तो वो किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी से बचती हुई नजर आई। I don't want to comment on anyone else's comment. ये तो बात हुई विद्या के उन स्टेटमेंट्स की जिनको लेकर वो लाइमलाइट बटोर रही हैं। फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इन अवार्ड्स की लॉन्चिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्या के साथ जोया अख्तर भी शामिल हुई। गली बॉय जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाली जोया ने माना कि आज वो जो कुछ भी है क्रिटिक्स की बदौलत ही है। Not always, but I do get away easier than people, that I am kind of soft. And I think I am, because my first film, Luck by Chance, is something that actually didn't do really well at the box office, but I survived it because of the critics. I survived that experience because of the critics. So for me, they are a very special place. Event ka hissa bani Vidya ne apne upcoming projects ko lekar bhi baat ki aur bataya ki wo ek web series par kaam kar rahi hai. Nahi, main Indira Gandhi pe web series karne ki koshish kar rahi hoon, par filhal to wo ek koshish hai, dekhte hain you know kya hota hai, because a series is a lot of work aur bahut log साथ में जुड़ते हैं, फिल्म से भी ज्यादा, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, पर जब करूंगी तो अच्छे से करूंगी इंशाल्लाह। आपको बता दें, क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स में अक्टूबर, अंधाधुन, राजी, तुम्बाड और बधाई हो को बेस्ट फिल्म का नॉमिनेशन मिला है। पहली बार होने वाले इस अवार्ड शो की एक खास बात ये भी है कि इसके जरिए हिंदी फिल्मों के अलावा 7 और भाषाओं की फिल्मों को सम्मानित किया जाएगा। बहरहाल, कहने को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन अगर विद्या बालन के स्टेटमेंट्स पर कंगना की तरफ से कोई रिएक्शन आ जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। मुंबई से साक्षी अरोड़ा की रिपोर्ट, E24।